उनको वहाँ से अरेस्ट करवाया जाएगा, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, बिना पूरा एस्कॉर्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा जम्मू। अपना हमारा व्यक्ति आपके साथ रहेगा, साथ जाएगा, आपको वहाँ पे छोड़ देगा। आप ऐसे मत जाइएगा, हमारा व्यक्ति ऑफिशियली आपके साथ जाएगा जम्मू। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं जिला मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ और हम अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे भाई साहब परसों शाम 27 तारीख की रात को, और आज हम यहाँ पे चीची मंदिर में रुके सांबा में, और इनसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा कि भाई आपका यहीं हो जाएगा, कार्ड बन जाएगा, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट रखे जा गए ना जी, तो भी फर्जी निकले। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने, जो यहाँ के आप लोगों के सहयोग से हमें पूरा सहयोग दिया गया और हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से कराई जाएगी, और जो हमारे साथ धोखा हुआ है यूपी से, लेकिन यहाँ पे अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम सबको भाई इज्जत भाई सहयोग के साथ आपका सहयोग भी मिलेगा और प्रशासन भी हमारे साथ रहेगा। वहाँ पे बोला गया सर कि आपका 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, आप 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी दिन एजेंट के थ्रू। दिल्ली से हमने कराया था, लेकिन वो दिल्ली वाला अब ना कर रहा है कि बोल रहा है कि मेरे मैं जानते ही नहीं आपको। बस आइए सर, और लगभग हमारे 73 बंदे हैं और हमारे जो है रजिस्ट्रेशन पहले हुए थे और 69 हमारे हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं पाए गए, लेकिन जो सहयोग आप प्रशासन का मीडिया वालों का हमारे साथ रहा है तो ये सराहनीय है हमारे लिए, और बहुत फख्र की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी होता है कि SP साहब भी, बड़े अधिकारी भी 3-3 घंटे एक छोटे से काम के लिए बैठे हैं हमारे लिए। ऐसा होना चाहिए कि आगे जो कोई आए वो आए, कम से कम और बंदे परेशान ना हो, हम ही परेशान हुए। हम सुबह से यहाँ पड़े हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन साहब कह गए हैं कि होगा, तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। नुकसान तो यह है सर कि सारी गाड़ी वापिस जाती है, अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें बहुत अच्छी तरीके से, अपने जो है मैसेज देख के, और उसके बाद चलें उनसे लेने के बाद, नहीं तो फ्रॉड बाई चल रही है। सबको ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है कि पैसे कमाए जा रहे हैं एजेंटों के जरिए और फ्रॉडबाजी चल रही है। मेरा नाम नीतीश गर्ग है और मैं जिला मुजफ्फरनगर चरथावल का रहने वाला हूँ यूपी। हम लोग 27 तारीख की रात में चले थे मुजफ्फरनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए, और रात में हम सुबह चीची माता मंदिर में आए सांबा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हम फ्रेश होने के बाद नीचे काउंटर लगा हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, हमने उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, ये तो सही नहीं लग रहे हैं हम लोगों को। तो हमने कहा भैया आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चेक कीजिए, तो उन्होंने चेक किया। फिर यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी प्रशासन लोग थे, सब अधिकारी लोग आए, DC, SSP, DM सर, सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छी तरह हम लोगों से बात की और हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपके साथ सब कुछ न्याय होगा, जो अभी आपके साथ गलत हुआ है। हम लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जा रहे हैं, उसमें मिसमैच हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन में। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन थे, 2 तारीख में हमारी यात्रा है, तो उसमें हमारे नाम मिसमैच हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में। तो उन लोगों ने हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत अच्छे व्यवहार से हमसे बात की कि आप लोगों की हम यात्रा कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हमने अब मुजफ्फरनगर से अपने ट्रैवल एजेंट से रजिस्ट्रेशन कराए थे, विकास बस सर्विस, 2 गाड़ियां हैं हमारी, सब लोग बढ़िया से टूर कर रहे थे, और ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ हम लोगों ने अपने चेक करा लिए, नहीं हमें आगे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती। प्रशासन का उम्मीद से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा हेल्प मिलेगा। इतनी देर बैठना, प्रशासन यहाँ बैठा है जब से, 3 घंटे हो गए हमारे दौरे बैठे हुए हैं, और इतने बड़े लेवल के अधिकारी अभी 1.5-2 घंटे से हमारे साथ हैं।